गाइज वैसे तो आयरन मैन कैप्टन अमेरिका की टीम से फाइट करने के लिए अपने साथ स्पाइडरमैन को भी ले गया था, लेकिन यहाँ पर आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के इस सूट के सभी फीचर्स को एक्टिवेट क्यों नहीं किया था, जिससे वो इस सूट के फीचर्स का यूज करके कैप्टन अमेरिका की टीम को डिफीट कर पाता। तो देखो इसका आंसर हमें होमकमिंग मूवी में ही मिल गया था, क्योंकि जब स्पाइडरमैन इस सूट को हैक करके इसके सभी फीचर्स को एक्टिवेट कर देता है, तब वल्चर को ट्रैक करते टाइम स्पाइडरमैन इस सूट के फीचर्स के बारे में जानकर उनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से वो वल्चर को ट्रैक नहीं कर पाता और उसका सारा मिशन खराब हो जाता है। और इसलिए अगर आयरन मैन सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन के सूट के सभी फीचर्स को एक्टिवेट कर देता, तो स्पाइडरमैन इन फीचर्स को यूज करने में ही कंफ्यूज हो जाता और कैप्टन की टीम के साथ फाइट करने पर फोकस नहीं कर पाता। और इसलिए आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के सूट के फीचर्स को ऑन नहीं किया ताकि वो फाइट में कंफ्यूज ना हो।